हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 37, जो क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, देन अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज की जो वर्कशीट है हमारी, वो है हमारी इंडिपेंडेंस डे पे जो सेलिब्रेशन हमने किया है, पतंगे उड़ाई हैं, उससे रिलेटेड। बच्चों, हम सब अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती की है, घर में मिठाइयाँ भी खाई हैं, दोस्तों के साथ मिलकर पतंगे खूब उड़ाई हैं, एक दूसरे की पतंगों को काटा है हमने। पर बच्चों, क्या आपने इस पे ध्यान दिया कि जो हमने पतंग एक दूसरे की काटी है, जो उस पतंग को उड़ाने में हमने मांझा इस्तेमाल किया है, वो कौन सा था? प्लास्टिक का या सूती मांझा? बच्चों, प्लास्टिक के मांझे के जो साइड इफेक्ट्स हैं, आज हम उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट लेकर आए हैं। इस वर्कशीट का जो मेन मोटिव है, आपको समझाना है कि कैसे प्लास्टिक का मांझा हम सबके लिए हानिकारक है। आइए हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है हमें कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं हमसे, हम कोशिश करेंगे उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। आइए हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट है, डियर चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे हैप्पीली 2 days बिफोर। यू मस्ट हैव फ्लोन काइट्स ऑन दिस डे, बट वाइल बाइंग स्ट्रिंग्स मांझा फॉर काइट, बी श्योर टू कीप इन माइंड दैट द स्ट्रिंग इज नॉट ऑफ प्लास्टिक, because it can harm many birds. Do not cut the flight of birds. Fly the kites and enjoy. यहाँ पर बच्चों, हमें बोला गया है कि हमने 2 दिन पहले ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, हमने पतंगे भी उड़ाई हैं, हमने जो स्ट्रिंग्स यानी कि जो मांझा हमने खरीदा था काइट्स के लिए, उसको अपने दिमाग में रखकर खरीदें कि वो प्लास्टिक का ना हो, वो किसी बर्ड्स को हार्म ना करें, नुकसान ना पहुंचाए। आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? आवर इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ अगस्त एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डैमेज कैन अ प्लास्टिक स्ट्रिंग कॉज? प्लास्टिक स्ट्रिंग से कौन कौन से नुकसान हमें पहुंच सकते हैं? अ प्लास्टिक स्ट्रिंग यूज टू फ्लाई काइट्स मे सीम हार्मलेस, कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म। प्लास्टिक स्ट्रिंग जब हम खरीदते हैं तो हमें दिखते हुए किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी, एक धागा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हार्मलेस है वो, बट उसके बहुत से नुकसान हैं, जैसे इट कैन स्ट्रैंगल एंड हार्म बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ये आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के गले में अलझ जाता है, उनके गले को काट देता है, उनकी जो उड़ान है उसको रोक देता है। सेकंड पॉइंट इज, इट कैन कॉज इंजरी टू अनसस्पेक्टिंग ह्यूमन ट्रेवलिंग ऑन रोड इफ काइट्स आर फ्लाइंग टू लो और स्टक नियर रोड्स। अगर जो पतंग है हमारी वो रोड के पास उड़ रही है या बहुत नीचे उड़ रही है, आकाश में ऊंची नहीं जा रही, तो वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, उनकी ट्रेवलिंग को रोक सकती है, कैसे वो देखते हैं। आप इस पक्षी को देख रहे होंगे कि कैसे ये मांझे के तार में उलझकर इसका गला कट गया और ये उलझा का उलझा ही रह गया है। बच्चों, जब हमारी कोई पतंग कटती है तो वो मांझा बहुत ऊंचा होता है, लंबा होता है, क्योंकि पतंग हमारे आकाश में बहुत ऊंचे तक होती है। जब वो पतंग कटती है तो वो मांझा नीचे आके गिर जाता है और वो एक छत से दूसरी छत पर, खंभों पर, मंदिरों की छतों पर अटक जाता है, पेड़ों में अटक जाता है। और जब कोई पक्षी उड़कर आता है तो उसको वो इतना पतला मांझा नहीं दिखता, जिसमें कि वो अटक जाता है, उलझ जाता है और उसकी जान चली जाती है। बच्चों, जितनी प्यारी हमें अपनी जान होती है, उतनी ही इन पक्षियों की भी होती है, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितने कि हम हैं, तो इन्हें भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ये आकाश में उड़ते हैं, इनके लिए खुला आसमान छोड़ देना चाहिए। आप पतंग उड़ाइए पर सूती मांझे से, क्योंकि उससे इनको इतना नुकसान नहीं होगा
जितना कि प्लास्टिक मांझे से होता है। प्लास्टिक मांझा एकदम से इनका गला काट देता है। अब आप इसको देखिए कैसे इसका गला कट गया है। बच्चों, जब पतंग का मांझा नीचे आता है या रोड के बिल्कुल पास होता है, कटता है, तो अचानक से आता हुआ बाइक वाला उसमें उलझ जाता है। साइकिल पे आ रहा है कोई, बाइक पे पैदल चल के आ रहा है, उसमें उसका गला उलझ जाता है। आपने लास्ट ईयर भी बहुत सी न्यूज़ें सुनी होंगी कि कैसे पतंग के मांझे ने बहुत से लोगों की जानें ली हैं, और मैं अभी भी न्यूज़ पढ़ रही थी कि कैसे पतंग के मांझे से कुछ लोगों के गले कट गए हैं, हाथ कट गए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। तो बच्चों, प्लास्टिक का मांझा बहुत ही हार्मफुल होता है, इसे इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि सूती मांझा लें। मैं ये नहीं कह रही कि पतंग ना उड़ाएं, पतंग उड़ाएं, मौज मस्ती करें, खेलें भी अपने दोस्तों के साथ, पतंग काटें भी एक दूसरों की, पर कोशिश करें कि वो सूती मांझा हो, क्योंकि प्लास्टिक का मांझा बहुत ही हार्मफुल होता है। ये बर्ड्स के लिए, हम ह्यूमंस के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ काइट। मैंने यहाँ पर 3 पिक्चर्स दी हैं आपको, आप इसमें से कोई भी पिक्चर आप बना सकते हैं अपनी पसंद की। फर्स्ट इज देन, आपको जो इसमें से पसंद हो बच्चों, आप वो पिक्चर इसमें से बनाएं। यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 37 कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप कि आपको इस वर्कशीट का मोटिव समझ में आया होगा कि क्यों आपको ये वर्कशीट दी गई है। बच्चों, लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी एक पतंग, दो पतंग सूती मांझा यूज़ करने से कट भी जाती हैं, तो क्या वो एक बर्ड की, एक पर्सन की लाइफ से इम्पोर्टेंट है वो कटना? नहीं ना। किसी की ज़िंदगी से ये खेल ऊपर नहीं है। आप खेलें, पतंग उड़ाएं, मौज मस्ती करें, पर थोड़ा ध्यान से सूती मांझा इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का ना करें, क्योंकि प्लास्टिक का मांझा एकदम से हाथ, गले, बॉडी पे कहीं भी कट लगा देता है। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।